कि मैंने नई गाड़ी ले ली बट इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि कहीं भी लॉन्ग रूट पे लेके जा सको, तो फिर उसमें हेक्सा को मैं चूज करना पड़ता है। तो चार्जिंग स्टेशन पे इसको चार्ज करने में कितना खर्चा आता है, जैसे आपने डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज किया था तो डीसी 18 रुपए यूनिट ले रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओनेस यूजर रिव्यूज़ की नई वीडियो में। भाई मैं हूँ गौरव, आज हम आए हैं रुद्रपुर उत्तराखंड में, और आप लोगों का बहुत डिमांड थी कि नेक्सॉन की ईवी का रिव्यू करिए, तो मैं आज नेक्सॉन के ईवी का रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। अगर मैं बात करूँ तो नेक्सॉन ईवी की, तो 2019 में टाटा ने नेक्सॉन ईवी को लॉन्च किया था। ये आप 2021 का फर्स्ट जनरेशन फेसलिफ्ट वेरियंट देख रहे हैं, और इम्पैक्ट 2.0 डिज़ाइन पर कार बनी हुई है। पेट्रोल और डीजल में भी आती है। पेट्रोल के वेरियंट की कीमतें स्टार्ट होती है 8.25 लाख रुपये से, और अगर मैं ईवी की बात करूं तो ईवी में आपको 3 मॉडल देखने को मिल जाएंगे, XM, XZ और XZ प्लस लग्जरी। और अगर मैं XM वेरिएंट की बात करूं तो प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 14.5 लाख से, और टॉप मॉडल XZ प्लस लग्जरी का प्राइस वेरिएंट है 16.5 लाख रुपये। अगर मैं बात करूं टाटा नेक्सॉन ईवी की, तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन और टफ टेरेन में 1.5 मिलियन किलोमीटर टेस्ट ड्राइव करके बनाई गई है ये ईवी। दोस्तों ये कार परचेज करी थी विनय वर्मा जी ने, विनय वर्मा जी से जानेंगे इनके इलेक्ट्रिक कार के एक्सपीरियंस। तो विनय वर्मा जी, स्वागत है आपका ऑनेस्ट यूज़र रिव्यूज़ में। तो सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि पेट्रोल और डीजल के ज़माने में, क्योंकि इंडिया में अभी इतना ज़्यादा ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है, तो आपने ईवी पे क्यों गए आप? सर अभी पेट्रोल डीजल की महंगाई को देखते हुए इसलिए किया पहली बात तो। अच्छा, और दूसरा लोकल का मेरा चलना होता तो मैं, मेरे पास जो गाड़ी थी उसमें 15 से 20 हज़ार रुपये की मैं डीजल फूंकता था जहाँ पर। अच्छा, अभी ये लोकल में मेरा कुछ नहीं लगता, पूरे दिन चलाने के बाद भी कुछ खर्चा नहीं है जेब का, फ्री में घूमते रहते हैं, और जो काम पहले करते थे उससे ज़्यादा ही काम करने लगे अब, पहले कहीं जाते टाइम सोचना पड़ता था। अच्छा, तो पहले आप जब पेट्रोल से चलते थे, पेट्रोल कार से, तो कितना आपका खर्चा रहता था, और अब जब आप ईवी पे शिफ्ट हुए हैं तो कितना प्राइस में आपके जेब पे कितना वो आया है, मतलब जेब खर्च? पहले सर मैं वीकली टैंक फुल कराता था 4000 रुपये का, मेरा 4000 का पर वीक का खर्चा था 4000 के आसपास। हाँ जी, अभी तो मालूम नहीं पेट्रोल का डीजल का क्या रेट चल रहा है, एक महीना से तो हम गए ही नहीं पेट्रोल पंप पे। अच्छा, अपने घर में ही चार्ज करते हैं और डेली बिंदास होकर घूमते रहते हैं। पहले आप पेट्रोल कार चलते थे तो 4000 रुपये वीकली आपका इसमें खर्चा आ जाता था, तो ईवी लेने के बाद आपने जब इसको घर पे चार्ज करते हैं तो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है और कितना आपका खर्चा आता है इसमें ईवी को चलाने में? सर अभी मैं इसको घर पे चार्ज करता हूँ तो अप्रोक्स 70-80 रुपीज खर्चा आता है, उसमें वीक में मैक्सिमम 2 बार करनी होती है चार्ज मेरे को लोकल चलने के लिए, 2 बार से ज़्यादा, कभी भी ज़्यादा चल लिया तो 3 बार कर लिया, नहीं तो 2 बार में हो जाता है, यानी हफ्ते में मेरा 250 रुपीज़ का अप्रोक्स खर्चा आता है। अच्छा, तो इससे पहले आप कौन सी कार ओन करते थे? एक बार टाटा हेक्सा थी सर। अच्छा, टाटा हेक्सा ओन करते थे, उसके बाद आप टाटा नेक्सॉन के ईवी पे गए। यस सर। तो ये बताइए सर, आपने कितने की पड़ गई थी आपको ये कार? मेरे को 16.5 लाख की पड़ी है ये। कौन सा मॉडल लिया है सर आपने? XZ है। अच्छा, XZ मॉडल, सेकंड टॉप मॉडल लिया हुआ है आपने। तो कितनी वेटिंग पीरियड थी इसमें जब आपने लिया था ये? वेटिंग का अप्रॉक्स 1 महीना का बोल रहे थे, बट मेरे को थोड़ा मैंने उनको प्रेशर किया तो उन्होंने 10 दिन में मेरे को दे दी थी। 10 दिन में आपको मिल गई थी? हाँ जी। तो सर ये बताइए, जब आप इसने आपने 16 लाख में, 16.5 लाख में परचेज करी थी, तो गवर्नमेंट की साइड से कुछ सब्सिडी नहीं मिली थी इसमें? RTO का जो सर 10% लगता है। हाँ। वो इसमें फ्री है। अच्छा, RTO रजिस्ट्रेशन? जी, मेरा इसमें 2330 रुपये का स्लिप कटी थी जो RTO की तरफ से कटती है, उसमें कोई ज़्यादा चार्ज नहीं लगा, उनका प्रोसेसिंग चार्ज था वही देना पड़ा। अच्छा, और बाकी कुछ शायद गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 का इसमें सब्सिडी भी मिलनी है। अच्छा, तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन में उसके लिए अप्लाई करूँगा। अच्छा, अभी वो सब्सिडी मिली नहीं है, लेकिन अभी आजकल मैं सुना है कि सब्सिडी टाइम पे आ जा रही है, पहले ज़्यादा टाइम लग जाता था। तो 16.5 लाख की ली थी तो 50,000 के आसपास इसमें आपको सब्सिडी भी देखने को मिल जाएगी। हाँ जी, तो फाइनली 16 लाख के आसपास पड़ जाएगी। तो आपका डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था टाटा के साथ? वो तो सर सब कुछ अच्छा था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, जो उन्होंने टाइम दिया था मुझे उसी टाइम पे डिलीवरी दे दी। तो जब आप नेक्सॉन का इलेक्ट्रिक वेरिएंट ले रहे थे, तो आपने उस टाइम पे माइंड में ऐसा नहीं था कि यार मैं ईवी तो ले रहा हूँ, 15-16 लाख रुपए खर्च भी कर रहा हूँ, तो अभी कभी मुझे लंबी ड्राइव पे जाना होगा तो मैं इसमें मुझे प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि अभी चार्जिंग स्टेशन इतने हैं नहीं। आप रुद्रपुर में रहते हैं तो रुद्रपुर में कितने फास्ट चार्जिंग स्टेशन है यहाँ पे? अभी रुद्रपुर में तो नहीं है शायद, अभी किच्छा रोड पे बताते हैं, खुला है, मैं कभी गया नहीं।
बट बाकी बरेली में, मुरादाबाद में, इधर है, इनका एक ऐप है उस पर दिखाता है सब। अच्छा, इसका जो जेट कनेक्ट ऐप है उसमें आप चार्जिंग स्टेशन वगैरह देख सकते हैं। तो आपने इसमें कितने किलोमीटर आप चले हैं, लॉन्ग कितने किलोमीटर लॉन्ग ड्राइव? 400 किलोमीटर तक चला हूँ इसे। अच्छा, उसमें एक बार मेरे को चार्जिंग करनी पड़ी थी। अच्छा, वहाँ 35 मिनट के अप्रोक्स में मेरा चार्ज हो गई थी गाड़ी। अच्छा, डीसी फास्ट चार्जर से आपकी 35 मिनट में 0 to 100? 0 to नहीं थी, 42 to 100 की। अच्छा, 42 to 100 आपको आधे घंटे में चार्ज हो गया था। वैसे जो इसका कंपनी भी क्लेम करती है तो 0 to 80 आपको 60 मिनट का वो बताती है डीसी फास्ट चार्जिंग से। चार्जिंग स्टेशन पे इसको चार्ज करने में कितना खर्चा आता है, जैसे आपने डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज किया था तो? डीसी 18 रुपए यूनिट ले रहे हैं। 18 रुपए यूनिट अभी का जो। तो कितनी यूनिट लगी थी इसको चार्ज होने में? 20 यूनिट के लगभग लगा था। अच्छा, 20 यूनिट, 40 से लेके 100 तक आपने चार्ज किया था। हाँ, अभी थोड़ा एक जगह है, होता है कि जो चार्जिंग का सिस्टम है ना पूरा मतलब मोबाइल से ही सब कुछ है। अच्छा, पेमेंट भी उसी से जानी है, कनेक्टिविटी भी उसी से होनी है, उसमें थोड़ा सा अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई बार, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं दिखती, कभी कुछ नहीं दिखता, सिंपल नहीं है, ऐसे घर की तरह लगाया तो अपना जो भी पैसा बनना है अपना, चाहे जैसे ऑनलाइन लेना हो ऑनलाइन ले लो, वो थोड़ा ऐप के थ्रू है ना उसमें प्रॉब्लम आती है। तो सर आप बताइए कि इसकी बैटरी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी रहती है, कितना आपको रेंज देखने को मिल जाती है एक बार चार्ज पे? एक बार चार्ज पे 280 किलोमीटर तक इससे लिया हुआ है, वैसे कंपनी क्लेम था 300 प्लस करती है। अच्छा, बट डिपेंड करता है ड्राइविंग के ऊपर भी। अच्छा, आप उल्टा सीधा गाड़ी को उड़ाएंगे तो उसमें कम हो जाता है। अच्छा, रेंज इसकी, बाकी आप प्रॉपर 80 किलोमीटर की स्पीड पे आप कंटिन्यू चलते रहो तो आराम से 280 किलोमीटर तक हमने चलाया है। अच्छा, कार के कुछ एक्सटीरियर से बात कर लेते हैं। तो एक्सटीरियर में आपको यहाँ पे टाटा की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, ये यहाँ पे ईवी का लोगो। और हेडलैम्प्स की बात करूँ तो आपको LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे, LED यहाँ पे DRLs दिए हुए हैं। और यहाँ पे आपको फॉग लैंप देखने को मिल जाएंगे, ये आपको ट्राई एरो वाली नेक्सॉन की ग्रिल देखने को मिल जाएगी। और ये जो स्काई ब्लू कलर आप देख रहे हैं ये आपको दिखाता है कि ये आप नेक्सॉन का ईवी वेरिएंट चला रहे हैं। इसमें आपको 16 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे और इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल और इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ORVM देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर भी आपको ईवी की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। ये जो स्काई ब्लू वाली लाइन है ये आपको दिखाती है कि आप टाटा नेक्सॉन की ईवी चला रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इसके चार्जिंग की तो इसमें आपको 3.3 किलोवाट का AC चार्जर देखने को मिल जाता है। AC यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन है और ये आपको DC फास्ट चार्जिंग के लिए देखने को मिल जाता है। और अगर मैं इसके AC फास्ट चार्जर की बात करूँ तो आप 0 to 80 आप अपनी कार को 8.5 घंटे में चार्ज कर सकते हैं और DC फास्ट चार्जर से 0 to 80 ये 60 मिनट में चार्ज हो जाती है। अगर मैं कार के रियर की बात करूँ तो रियर में आपको हाई स्टॉप टेल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे, शार्क फिन एंटीना है और डिफॉगर देखने को मिल जाएंगे, ये आपको ट्राई एरो वाली इसमें आपको स्काई ब्लू कलर के साथ देखने को मिल जाएगी। टाटा की बैजिंग है यहाँ पे, ईवी की बैजिंग है, ये नेक्सॉन की बैजिंग, यहाँ पे आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। कार आती है जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ। अगर मैं इसकी बैटरी की बात करूँ तो इसमें आपको 30.2 किलोवाट की लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि टेस्टेड है 1.5 मिलियन किलोमीटर के साथ। और इसमें आपको मोटर देखने को मिल जाएगी, 3-phase परमानेंट मैग्नेट मोटर जो कि जनरेट करती है 129 पावर और 245 Nm का इसमें आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है। जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी के साथ आती है जो कि इंटीग्रेटेड मोटर कंट्रोलर के साथ आती है। जब आप इसमें ब्रेकिंग लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली बैटरी को चार्ज करना स्टार्ट कर देती है और आपको इम्प्रूव रेंज देखने को मिल जाती है। और ये देखिए कुछ इस तरह से इसमें आपको बैटरीज एंड पूरा सिस्टम देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसकी सेफ्टी की बात करूँ तो 5-star सेफ्टी रेटिंग के साथ ये कार आती है। और अगर मैं कुछ लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन रहता है कि कार में पूरी इलेक्ट्रिक कार है, बहुत ज़्यादा बैटरियाँ हैं तो इसमें शॉक लगना और इलेक्ट्रिक स्पार्क की वजह से फायर इंसिडेंट्स वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं फ्यूचर में, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कार IP67 सर्टिफाइड बैटरी एंड मोटर के साथ आती है जिसमें आपको ओवरचार्ज प्रोटेक्शन, शॉक प्रोटेक्शन ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूं तो टाटा इसमें इसकी बैटरी पे 8 साल की वारंटी देती है और 1.5 लाख किलोमीटर के आसपास इसमें आपको बैटरी में वारंटी देखने को मिल जाती है। हाँ तो सर बताइए इसमें आपको ड्राइविंग कंफर्ट कैसा देखने को मिल जाता है? सर मैंने बहुत गाड़ी चलाई है लेकिन जो इसमें आनंद आता है ना चलाने में वो अलग ही है। अच्छा, साइलेंट कार है एकदम। हाँ एकदम साइलेंट है, कोई पोल्यूशन नहीं है, साउंड पोल्यूशन वगैरह से फ्री, बाकी बहुत आनंद आता है बाकी गाड़ियों के पीछे। कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा कार बगल से निकल गई और पब्लिक जो बगल में चल रहा है पता भी नहीं चलता होगा। ऑन ज्यादा मरना पड़ता है, ऑन ज्यादा यूज करना पड़ता होगा इसमें। डीजल पेट्रोल गाड़ियों के कंपेयर करेंगे
और केवल अभी मैं नॉर्मली ड्राइव मोड पे ही चलाता हूँ, इसका एक स्पोर्ट मोड है। स्पोर्ट मोड का तो कंट्रोल करना भी मुश्किल है। अच्छा, 60% उसमें एक्स्ट्रा इनिशियल पिकअप देखने को मिलता है। ये तो अच्छा बहुत हाई पिकअप होता है। नहीं, एक पब्लिक का ना एक नॉर्मली क्वेश्चन था ईवी को लेके कि हम जैसे पहाड़ों में अगर ड्राइव करेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी, तो आप कभी पहाड़ साइड में ड्राइव किया आपने कभी? पहाड़ साइड तो ऊपर ज्यादा ऊपर नहीं गया, केवल लाल कुआं तक गया हूँ। लाल कुआं तक गया हूँ, काठगोदाम तक। अच्छा, तो चढ़ाई पे बड़े आराम से स्मूथली चढ़ जाती है। अच्छा, जब हम ऊपर से ढाल से नीचे को आते हैं ना, ऊपर से नीचे को, तो रीजनरेशन सिस्टम भी है इसमें, ब्रेक लगाएंगे तो बैटरी रिचार्ज होती रहेगी। अच्छा, तो इस समय ऊपर से नीचे को आते हैं तो हमें ब्रेक पे लेके आनी पड़ेगी गाड़ी, तो उसमें बैटरी चार्ज होती रहेगी। अच्छा, इससे पहले आपने कौन कौन सी गाड़ियाँ यूज़ की हैं? मैंने हेक्सा चलाई टाटा की, वो तो भी मेरे पास लेटेस्ट है ही है। हाँ। इससे पहले अर्टिगा थी, उससे पहले स्विफ्ट थी, i20 थी, आईकॉन फोर्ड थी। तो एकदम से जब आप पेट्रोल और डीजल कार से एकदम ईवी पे स्विच हुए, तो स्टार्टिंग में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई गाड़ी ड्राइव करने में? ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई, केवल गियर की जो हैबिट थी उसको एडजस्ट होने में लगा एक दो दिन। अच्छा, क्योंकि क्रैवेट होती है गियर डालना गियर निकालना, तो ये हाथ थोड़ा सा चलता था, बाकी उसके बाद नॉर्मल। ऑटोमेटिक कार ही आपकी फर्स्ट थी ईवी में? ऑटोमेटिक में पास। अच्छा, इससे पहले गियर वाली ही होती। तो कभी कभी कोई पब्लिक में आपके साथ वाला ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता कि यार तुमने ईवी क्यों ले ली, 15-16 लाख खर्च किए थे, क्रेटा या किया सेल्टोस ले लेते? क्योंकि आपका ही कभी कभी प्लान बनता होगा, जैसे आपको 600-700 किलोमीटर ड्राइव करनी है, तो मन में एक क्वेश्चन आता होगा यार हेक्सा ले जाऊं या अपनी नेक्सॉन ईवी पे जाऊं? उसमें आता है, वहां थोड़ा सा लगता है कि मैंने नई गाड़ी ले ली, बट इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है कि कहीं भी लॉन्ग रूट पे लेके जा सको, तो फिर उसमें हेक्सा को मैं चूज करना पड़ता है, जबरदस्ती करना पड़ता है। अच्छा, लेकिन आपका मन करता है कि मैं यही ईवी लेके जाऊं? ईवी लेके जाऊं। अच्छा, कभी आपके साथ वो वाली सिचुएशन आई कि बैटरी बहुत कम रही हो और रेंज शॉर्टेज की वजह से दिखा रहा हो कि जल्दी चार्ज करिए और चार्जिंग स्टेशन आसपास ना मिला हो या घर से दूर हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। एक बार मैं जा रहा था तो मेरी 10% जब रह जाती है तब इसकी स्पीड लॉक वो कैप हो जाती है 50 किलोमीटर पे। अच्छा, उससे आप ऊपर नहीं चला सकते। अच्छा, तो और अप्रोक्स 25 किलोमीटर तक आप चला सकते हो इसको कैपिंग स्पीड पे। अच्छा, तो मैं मेरे को जहाँ अपना पहुँचना था वहाँ पहुँचते 1% पहुँच गया था। अच्छा, घर पहुँच गए थे। टाटा वाले हैं, उनका जो सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहता है, वो उनका फीडबैक कैसा रहता है, कस्टमर को किस तरह से डील करते हैं वो? देसी कंपनी है, देखो अपनी इंडियन देसी स्टाइल वाली। जितने ज़्यादा आप जाओगे तो उतना ही कटके भी तो आता है आदमी। हाँ, कहीं ना कहीं तो भाई आपकी वैल्यू ही ली जाएगी, जितनी अच्छी सर्विस ले लो वैल्यूएबल होती है। तो कार लेने से पहले आपके मन में कुछ क्वेश्चंस थे, सवाल थे यार मैं ईवी लेने जा रहा हूँ ये सब चीजें होंगी, और बाद में वो सब क्वेश्चन दूर हो गया? हाँ सर, पहले एक तो इसका था पिकअप का सबसे बड़ी था कि पिकअप पता नहीं होगा नहीं होगा। तो जब चलाने के बाद लगा कि डीजल पेट्रोल में तो पिकअप हो नहीं सकता इतना। अच्छा, तो अब इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते ही आपको कुछ इस तरह से इसमें कंसोल ईवी की स्टार्टिंग देखने को मिल जाती है, और इस साइड आपको एनालॉग कंसोल देखने को मिल जाएगा। और देखिए अभी न्यूट्रल मोड में है ये कार, और इसमें इस साइड आपको ट्रिप दिखाता है, टोटल कितने किलोमीटर चल चुकी है कार वो दिखाता है, और कितनी चार्जिंग इसमें बची है वो दिखाता है। 92% इसमें अभी है चार्जिंग। दो मोड देखने को मिल जाते हैं, ड्राइव मोड और स्पोर्ट्स मोड। ड्राइव मोड में आपको 245 NM का टॉर्क देखने को मिल जाता है, वहीं स्पोर्ट्स मोड की बात करूं तो स्पोर्ट्स मोड में आपको 60% एक्स्ट्रा NM का टॉर्क देखने को मिल जाएगा। अब थोड़ा इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस देख लेते हैं कैसा है। तो न्यूट्रल से ड्राइव मोड पर डाल लेते हैं। तो इनिशियल पिकअप कार का काफ़ी अच्छा है, पेट्रोल और डीजल कार से इसमें आपको ज़्यादा टॉर्क देखने को मिल जाएगा इनिशियल टॉर्क। और अगर मैं बात करूँ तो ड्राइविंग कंफर्ट की, तो एकदम साइलेंट कार है। और अगर आप जैसे नॉर्मली आजकल पेट्रोल और डीजल कार में इंजन नॉइज़ देखने को मिलती है, तो इसमें आपको इंजन नॉइज़ के नाम पर आपको इंजन है ही नहीं, आप टोटल बैटरी है, तो बिल्कुल साइलेंट इसमें आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। तो मेरा भी ये फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस ड्राइव करने का ईवी का, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। अगर कोई बंदा अगर ईवी परचेज करने जा रहा है तो आप उसको क्या सुझाव देंगे, क्या उसको ये परचेज करनी चाहिए 15-16 लाख में? बिल्कुल करनी चाहिए सर, कोई बहुत अंतर नहीं है, केवल 2 लाख रुपए का डिफरेंस है,
अगर नेक्सा नॉर्मल कोई लेगा डीजल पेट्रोल तो 14 के अप्रोक्स आ रही है अच्छी क्वालिटी में, मतलब टॉप मॉडल। और ये केवल 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा है, उसमें भी शायद गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, तो वो मतलब 2 साल में पूरा हो जाना है जो डिफरेंस है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे आप कौन सी कार का रिव्यू देखना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं।